बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक दफ़ा फिर भारत के हमारे मुसलमान भाई इंतहा पसंद हिंदुओं की दहशत गर्दी का शिकार हो चुके हैं, लेकिन शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूं, क्योंकि भारतीय मुसलमान इतने कमज़ोर नहीं हैं कि चंद इंतहा पसंद हिंदुओं से घबरा जाएं, बल्कि यहां पर भारतीय मुसलमान रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। सेम उसी तरह जिस तरह फ़लस्तीन में मुसलमान इसराइली रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भारत में मुसलमान जाग चुके हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के मुकाबले में ना सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदाना सोच है, बल्कि भारतीय रियासती इदारे, पुलिस, भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग खुलकर मुसलमानों पर हमला आवर हो चुके हैं। मसला ये नहीं है कि यहाँ मुसलमान कमज़ोर है, बल्कि असल मसला ये है कि बीजेपी की हर मुमकिन कोशिश है कि भारतीय मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए। इसीलिए अब इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों के आज़ान से भी तकलीफ हो रही है। इसलिए अब इन बुजदिलों ने फैसला किया है कि जब भी मुसलमान मस्जिद में लाउड स्पीकर से आजान देंगे तो वो भी अपनी मजहबी मौसीकी और बैंड बाजे मस्जिद के बाहर बजाएंगे। अभी हाल ही में भारतीय रियासत एमपी में भारतीय इंतहा पसंदों ने हिंदुओं के एक मखसूस त्यौहार पर अपने जुलूस की टाइमिंग ऐसी रखी कि जब मुसलमानों की आजान का वक्त होगा तो ये लोग इस वक्त मस्जिद के बाहर से गुजर रहे होंगे। अब इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया कि जब मुसलमानों की अजान शुरू हुई तो उन्होंने अपने बैंड बाजों की आवाज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। इसलिए वहाँ मौजूद मुसलमानों को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उनकी इबादत में खलल पड़ रहा था और मुसलमानों ने इन भाइयों की पत्थरों से खूब दुर्गत बनाई। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि इन लोगों में मुसलमानों का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, इसीलिए पूरी की पूरी भारतीय सरकार इंक्लूडिंग भारतीय पुलिस मुसलमानों पर टूट पड़ी, जिसकी वजह से 100 के करीब मुसलमान जवानों को अरेस्ट किया गया और इन पत्थरों की इतनी बड़ी सजा दी गई कि टेररिस्ट गवर्नमेंट ने मुसलमानों के घरों को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दिया। भारतीय रियासती वजीर दाखिला ने कहा है कि जहां से भी पत्थर आएगा उनके घरों को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। दोस्तों, इन साहब ने क्या खूब मंतक पेश की है। ये लोग मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं, इतनी शदीद तरीन नफरत करते हैं कि एक पत्थर के बदले उनके घरों को मस्मार कर दिया जाता है। लेकिन इस भाई साहब को आखिर कैसे समझाएं कि अगर कोई बंदा अपने रास्ते जा रहा हो, अगर रास्ते में उनके सामने कुत्ते आकर भौंकने शुरू हो जाएं और उनको काट खाने के लिए दौड़ने आ जाएं, तो वो बंदा आखिर क्या करना चाहेगा। अपने दिफा के लिए कम से कम वो पत्थर उठाएगा और इन कुत्तों की तरफ फेंकेगा। लेकिन जब भी वो इस तरह करता है कि अपने दिफा के लिए वो पत्थर उठाता है, तो इनके सरपरस्त, इनके जो बैक पर रियासती इदारे हैं, वो दौड़ कर चले आते हैं और मुसलमानों के घरों को नीस्त नाबूद कर देते हैं, मुसलमानों के घरों को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ये लोग इतने गिर चुके हैं कि मुसलमानों के एक पत्थर मारने की सजा उनके घरों को तोड़कर पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देना है। दोस्तों, एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत से एक ऐसी चौंका देने वाली खबर सामने आई है जिसने भारतीय इंतहा पसंद हकूमत के बदसूरत चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आप अंदाजा लगाया कि भारत की एक रियासत में दो मुसलमान नौजवानों को पुलिस अरेस्ट करती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इनकी तफसील से पहले जरा आप इस वीडियो को देखिए। गलती बहुत मान रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं कि हमारा बच्चा छूट जाए, बस जो भी गलती हो गलती को हमारी माफ कर दें। हम बहुत दोस्तों, इस वीडियो में नजर आने वाली औरत शायद उन लड़कों की माँ हो सकती है। ये अपनी दुकान को छोड़कर किसी काम से बाहर जाती है और कुछ लम्हे बाद वो वापस आती है तो उन्हें मालूम होता है कि उनके लड़कों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया हुआ होता है कि उनकी कोई माफी तलाफी नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये दोनों नौजवान उस वक्त मोबाइल फोन में पाकिस्तान का गाना सुन रहे थे और वहाँ पर मौजूद इंतहा पसंद लोगों ने इन लड़कों को खूब ज़दोकोब किया और इन्हें बहुत बुरा भला कहा, इन्हें गालियाँ दी गई, इन्हें माफ़ी मंगवाई गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।